नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ पूजा सचदेवा। पटना में होने वाला पीएम मोदी का भव्य रोड शो चल रहा है। पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार और बीजेपी के कई नेता भी मौजूद हैं। रोड शो का दायरा 1 किलोमीटर बढ़ा दिया गया है। भारी जन सैलाब की वजह से ये फैसला लिया गया और जो रोड शो पहले 2 किलोमीटर तक का होना था उसे 1 किलोमीटर बढ़ा दिया गया है, क्योंकि लोगों की भारी भीड़ वहां पर मौजूद थी। जन सैलाब वहां पर उमड़ा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, और इसी वजह से 1 किलोमीटर दायरा इसका बढ़ा दिया गया है। पटना में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है, साथ में नीतीश कुमार भी मौजूद हैं, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए और ये देखिए नमस्कार करते हुए, हाथ हिलाते हुए इस भारी जन सैलाब को इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पटना से सीधी तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री का रोड शो जिसका दायरा बढ़ा दिया गया है 1 किलोमीटर, और इसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ा दिया गया है क्योंकि लोगों की भारी भीड़ यहां पर मौजूद थी। जन सैलाब यहां पर उमड़ा था। भारी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पहुंचे पटना में, और वहां पर देखिए फिर इसका जो दायरा है उसे 1 किलोमीटर बढ़ाना पड़ा, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए पटना से, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश, निधिश्री और शशांक इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं और आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे सीधे प्रकाश के पास। प्रकाश, 1 किलोमीटर का दायरा बढ़ाना पड़ा क्योंकि जन सैलाब इतना उमड़ा था, क्या तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं प्रकाश? आज जो सबसे खास और अहम बात है कि तीन सबसे महत्वपूर्ण बात है। पहली बात कि देश का कोई पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे जो पटना में रोड शो कर रहे हैं, और वो भी रोड शो एक ऐसी जगह से जो पुराना स्थल है। ये माना जाता है कि जो पहले का पटना था उसी पटना में वो आए हैं और भट्टाचार्य रोड से शुरू करके पीर मोहानी होते हुए निकले हैं। तो बीच में जो जितने भी लोग थे उन्हें उनकी एक झलक पाने के लिए 1-2 घंटे से नहीं बल्कि 5-5 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे और वो टस से मस नहीं हो रहे थे। जगह जगह पर कई सारे इंतज़ाम किए गए थे। जो उनके समर्थक थे या फिर जो उनके मतदाता थे उनसे सिर्फ एक बार उनकी एक झलक पाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे। हर हाथ में मोबाइल फ़ोन था और मोबाइल फ़ोन से वो पिक्चर को कैद कर रहे थे, वो तस्वीरों को, वो यादगार लम्हों को कि जब कोई देश का प्रधानमंत्री पटना में रोड शो करता रहा है। इसके पहले जब भी कोई प्रधानमंत्री आए हैं तो वो पटना के गांधी मैदान में या तो रैली किए हैं या पटना के किसी आसपास इलाके में रैलियां करते रहे हैं। तो ऐसे में यह भी देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि आखिर क्या ऐसा हुआ कि मोदी पटना में आए और रोड शो करके चले गए। हालांकि तेजस्वी ने कहा कि वो जॉब शो करते हैं और प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं, इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन जो रथ पर सवार थे उनमें से एक शख्स जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला था और वो ये था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस रथ पर सवार थे। इसके पहले कई रैलियां होती थी, वहां ज़रूर मौजूद होते थे, लेकिन रथ पर बिहार जब मोदी आए तो उनके साथ में न सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे बल्कि 2 और नेता मौजूद थे। रविशंकर प्रसाद जो खुद उम्मीदवार हैं पटना साहिब से, और दूसरे बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी। तो ये जो नज़ारा था आज का बेहद दिलचस्प था। मैं अभी भी वो झलक दिखाना चाहूँगा पूजा कि कैसे लोग जो है अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके नेता अगर इधर से कहीं वापस आ जाए तो कई लोग इधर से उधर सड़क पर घूम रहे हैं और उन्हें इनका इंतज़ार है। कई लोग तो जहाँ रोड शो ख़त्म होने वाला है, हमारी सहयोगी निधिश्री है, वहाँ पर भी पीछे से पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये काफ़ी एक तरह से कहा जा सकता है कि रोचक तो प्रकाश था। ये आप वो जगह दिखा रहे हैं जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो रोड शो है ये गुजर चुका है, लेकिन बावजूद इसके लोग इंतजार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक और झलक अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख पाए। मेरे साथ मेरे सहयोगी आर्यन भी कनेक्ट है, लेकिन निधिश्री आप ही के पास आते हुए क्योंकि आप उस जगह पर हैं जहां पर ये रोड शो खत्म होना है। फिलहाल आप वहां पर किस तरीके से देख रहे हैं, लोग कैसे इंतजार कर रहे हैं, क्या तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? बिल्कुल पूजा, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको वही तस्वीर दिखाऊं जिस सड़क से पीएम मोदी को पहुंचना है, और यहां पर लगातार लोग आपको नारे लगाते हुए नजर आएंगे, हर हर महादेव। और ये तस्वीर है दोनों तरफ सड़क के, मेरे सहयोगी सीके सिंह के कैमरे से देखिए किस तरीके से लोगों के हाथ में मोबाइल ऑन है, एक एक तस्वीर कैप्चर करने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं घंटों। मैं कहूंगी कि यहाँ दोपहर धूप
जब थी तब से यहाँ पर लोग खड़े हैं। और इसको समझने की कोशिश ऐसे की जा सकती है कि 14 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो चुका है, 26 सीटें बिहार में अभी भी वैसी है जहाँ लोकसभा चुनाव होना बाकी है अगले कुछ चरणों में, और एक कल है एक फेज, और ऐसे में जो नफा नुकसान हुआ आगे 26 सीटों का जो आधार है वो आज के रोड शो से तय हो, ये कोशिश होगी एनडीए की। और ये देखिए तमाम लोग आपको नजर आएंगे जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और एक बार जरा मैं इन लोगों से बातचीत करूँ। आप कितनी देर से खड़े हैं? हम लगभग 2 घंटे से यहाँ पे हैं मैम। आप? 3 घंटे से जी। 5 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे मोदी जी के लिए। कहाँ से आए? सहरसा जिला से आए हैं। आप कहाँ से? सुपौल जिला से आया हूँ मैं। 5 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ और मोदी जी का इंतजार कर रहा हूँ उन्हें देखने के लिए। बहुत एक्साइटेड हूँ और उन्हें देखना चाहता हूँ मैं, और देख के ही जाऊंगा। और अब की बार 500 पार होगा। तो ये समर्थक है एनडीए के, बीजेपी के, जो हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी के रोड शो का इंतजार घंटों से कर रहे हैं। और शशांक वहां से हमें सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। शशांक अपनी लोकेशन भी बताइए और साथ में ये भी बताइए कि आप जिस जगह पर मौजूद है वहां से पीएम का काफिला गुजर चुका है या अभी वहां पर आना बाकी है। शशांक तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन यही सवाल मेरा आर्यन आपसे रहेगा अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। पीएम का काफिला वहां से गुजर चुका है जहां आप मौजूद हैं? हाँ जी बिल्कुल पूजा। देखिए इस वक्त हम बाकरगंज में हैं और जो तमाम लोग यहाँ पर हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में हैं। महज यहाँ से 150 मीटर की दूरी पर जो पीएम का रोड शो है वो पहुंचा है, और यहाँ से अब लोग इस उम्मीद के साथ हैं कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो शो है वो हम तक पहुंचे। उनके एक झलक पाने की तैयारी में जो लोग सुबह से खड़े थे वो अब बेसब्री से उनके इस रथ का इंतजार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बाकरगंज का ये इलाका है, और देखिए जो तमाम लोग उनके इंतजार में पिछले 4-5 घंटे से यहाँ खड़े थे वो दिख रहे हैं, और ये बताता है कि जो नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी छवि क्या रही है। जिस तरीके से उन्होंने 400 पार का नारा दिया, हमने कई लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री बेहतर काम कर रहे हैं, और आज उन्हें पहली बार 10 साल में पहली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं, हालांकि ये इतिहास में पहली बार हुआ कि आज़ाद भारत में कोई प्रधानमंत्री पटना में रोड शो कर रहा हो, और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पटना साहिब के इलाके में इस रोड शो को कर रहे हैं तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता क्या है। देखिए भारी संख्या है, हर उम्र के लोग यहाँ मौजूद है, बात अगर महिला की जाए या फिर पुरुष की या बच्चे की, तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में यहाँ पर खड़े हैं। हम चाहेंगे वो नज़ारा देखिए कि किस तरीके से बैरिकेड के दोनों तरफ भारी संख्या में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में हैं। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने जिस चीज को ध्यान में रखते हुए इस रोड शो के लिए हामी भरी, उस रोड शो को कहीं ना कहीं इस पटना में सफलता मिलती नजर आ रही है। बाकरगंज का ये इलाका है और यहाँ से हर वर्ग के लोगों को देख पा रहे हैं जो काफी घंटों से इंतजार कर रहे हैं कि पीएम मोदी यहाँ पर आए और हम उनकी एक झलक देख पाए। जैसे ही ये काफिला बहुत नजदीक यहाँ इस जगह के पहुंचेगा आप हमें बताइएगा। आर्यन मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन निधिश्री के पास दर्शकों को लेकर चल रहे हैं। निधिश्री, जो टारगेट बीजेपी की तरफ से सेट किया गया एनडीए की तरफ से 40 में से 40 सीटें इस बार बिहार में, लेकिन क्या पीएम मोदी के इस रोड शो से इन सीटों पर वोटों पर असर पड़ेगा? वहां की जनता इसके बारे में क्या सोचती है? पीएम के आने का कितना असर पड़ेगा वहां की जनता पर? बिल्कुल, देखिए पूजा, 14 सीटों पर चुनाव हो चुका है, 26 सीटें अभी भी बाकी है और कुछ सीटों पर कल चुनाव है, और ऐसे में पटना में पीएम का रोड शो बहुत कुछ कहता है। मैं जरा लोगों से बातचीत करूं कि ये क्या कहते हैं, मंच पे ही कुछ लोग हैं इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है? नीलेश दत्त तिवारी। बाकी सीटों पर जो चुनाव होना है 26 सीटें, पीएम के रोड शो से कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, ऐसे भी लोग भाजपा में ही हो गए हैं और लोग जो है पीएम जी के आने से और लोग उस पे वोट पे वोट देंगे और बहुमत से हमारी सरकार लाएंगे। एक बार जरा इन लोगों से बात करूं, रोड शो से कितना असर पड़ेगा? जी असर पड़ सकता है जी, इसमें क्या बोलता है, सीट के लिए असर पड़ सकता है लोगों उसको, मतलब आपको लग रहा है कि जिन सीटों पर टफ फाइट है वहाँ पर बेहतर होगा एनडीए? मतलब ये तो जरूरी है, अब ये जनता तय करेगी मतलब ये क्या होना, लेकिन हम लोग तो रोड शो देखने के लिए आए माननीय प्रधानमंत्री जी का। जी आपको क्या लगता है कितना असर पड़ेगा इस रोड शो से? पहली बार पीएम रोड शो कर रहे हैं पटना में, आप यहाँ से वहाँ भीड़ देख लीजिए,
उसी से अंदाजा लग जाएगा कितना असर पड़ने वाला। क्या ये भीड़ वोट देंगे सभी के सभी, ये सवाल है ना? ऐसे तो दो घंटा कोई खड़ा नहीं है ना, किसी के चाहने वाले ही खड़ा हो सकते हैं ना। यहाँ पे काम को लेकर वोट दिया जाएगा, और जो दिख रहा है लोग देख रहे हैं, हर कोई देख रहा है, हर वर्ग के लिए काम किया गया है। ऐसे ही झूठ में इतना बेवकूफ लोग ने हजारों में भीड़ लगा हुआ है और 4 घंटा से 5 घंटा से यहाँ पे खड़े हैं बैठे हैं। तो एक सवाल है कि पीएम के रथ में पीएम के साथ बिहार के सीएम भी नजर आ रहे हैं, और कहा जा रहा था कि अगर नुकसान होगा भी एनडीए को तो उन सीटों पर जहां जेडीयू लड़ रही है, और ऐसे में पीएम और सीएम दोनों का साथ रोड शो करना कुछ असर दिखा पाएगा? बहुत असर दिखा पाएगा। बिहार में सीएम काम किए हैं और नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत में काम किए हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा। 110% मतलब 110% भारतीय जनता पार्टी पूर्ण से पूर्ण बहुमत लाएगी, 400 पार करेगी। यहाँ की जो जनता है वो भी ये कह रही है कि बीजेपी 400 पार करेगी, ये दावा वो कर रहे हैं जो दावा बीजेपी की तरफ से अमूमन हम सुनते हैं किया जाता है। मैं लॉटरी हूँ आपके पास, प्रकाश और शशांक भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश, आप ही के पास आते हुए, विकास कितना हुआ बिहार में, जनता क्या सोचती है, या फिर पीएम के इस रोड शो को देखकर ही वो गदगद है? क्या सिर्फ प्रधानमंत्री के रोड शो से मतलब, या विकास से भी? देखिए पूजा, इस रोड शो में सबसे खास बात जो न्यूज है जिसे पकड़ने की जरूरत है वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस रोड शो में रथ पर सवार होना। ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है बिहार की राजधानी पटना से रोड शो के जरिए कि नीतीश कुमार जो इस बार उनके साथ आए हैं, सशक्त तरीके से उनके साथ हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, और दोनों की दोस्ती, चाहे बीजेपी और नरेंद्र मोदी या फिर नीतीश कुमार और जेडीयू, पार्टी का और दल का मिलना ये पिछली बार की तरह नहीं है बल्कि इस बार ठीक उसी तरह से है जैसा कि 2019 में हुआ था। बार बार मंच से नीतीश कुमार ये कहते भी नजर आ रहे हैं कि इस बार इधर आए हैं, अब कहीं नहीं जाएंगे। तो रोड शो के दरमियान आपने देखा होगा कि अब तक किसी दूसरे राज्य के किसी मुख्यमंत्री के साथ नरेंद्र मोदी नजर नहीं आए हैं, लेकिन यहां पर नीतीश कुमार के साथ नजर आए। तो बिल्कुल साफ स्पष्ट संदेश उन कार्यकर्ताओं को भी, उन मतदाताओं को भी जो कि समर्थन कर रहे हैं, जिसका फायदा तेजस्वी यादव, लालू यादव या इंडिया गठबंधन के लोग उठाना चाहते हैं कि दोनों के बीच में जो गठबंधन है वो ठीक तरीके से नहीं है, दोनों अवसरवादी है, तो ये बताने की कोशिश की गई है। और सबसे अहम बात यह है कि विकास के बाद की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन धरातल पर जाति और धर्म, यही दोनों काम कर रहा है। जहां पर लालू यादव ने जाति आधारित जो उम्मीदवार दिए हैं उससे पेच फंस गया है, और उसका काट जो है वो हिंदू मुसलमान को लेकर नरेंद्र मोदी लगातार हमलावर हो रहे हैं। तो जाहिर है कि एक तरफ नीतीश कुमार की कोशिश है कि मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या किया है, हाँ, उसे ध्यान में रखें, तो विकास अपनी जगह है लेकिन हकीकत जमीन पर कुछ और है। प्रकाश, जिस बात का जिक्र आपने किया उसी सवाल को मैं आगे लेकर शशांक के पास जाऊंगी। शशांक, सिर्फ दल ही नहीं मिले हैं, दिल भी मिले हैं, ये मैसेज बिहार की जनता तक पहुंचाने की कोशिश कितनी कामयाब होती धरातल पर नजर आती है? इसका अपना वोट बैंक है, साथ में पीएम यहां पर थे, तो पाटलिपुत्र और पटना साहिब से जो बीजेपी प्रत्याशी है उनके लिए ये लोग रोड शो कर रहे थे। लेकिन मैसेज जो है, जो पास के जिले हैं, हाजीपुर चिराग लड़ रहे हैं, सारण रूड़ी लड़ रहे हैं, इधर आप आरा जाइए तो आरके सिंह प्रत्याशी हैं, पास में बेगूसराय है, गिरिराज है, तो उन सीटों को भी साधने की कोशिश है। और कल तो 5 सीटों पर वोटिंग भी हो रही है, तो बीजेपी को चुनाव में अब लाभ होगा कि नहीं ये तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, आज नीतीश साथ थे, एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली है। हमारे साथ कार्यकर्ता है, रोड तो इधर ही से गुजरा है, अब पीएम जो है अब बाकरगंज की तरफ बढ़ गए हैं। हम लोगों से ही बात करेंगे, पीएम रोड शो किए हैं, क्या लगता है पहली बार बिहार में किसी प्रधानमंत्री ने रोड शो किया? नहीं, ये नरेंद्र मोदी के पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी मानव नहीं, वो महामानव है। हमने तो रामराज को नहीं देखा, लेकिन हमने मोदी को देखा, और मोदी हमारे राष्ट्रीय नेता नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। आज उनको देखने के लिए ये लाखों की भीड़, ये पब्लिक ये बता रही है कि नहीं। ये बताइए, रोड शो की जरूरत क्यों पड़ गई, चुनाव है? अब तो देखिए थोड़ा सा विपक्ष भी भारी पड़ रहा है, और ये बहुत जरूरी महसूस हो रहा था, बहुत अच्छा कदम है बीजेपी के द्वारा। विपक्ष भारी पड़ रहा है? भारी नहीं पड़ रहा है, बट बीजेपी की टोपी लगाए हुए हैं, जो वस्तु स्थिति है उसको हम बता रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि टफ फाइट है। ये बताइए, पीएम रोड शो किए हैं, क्या लगता है बीजेपी के पक्ष में माहौल बनेगा? माहौल बनेगा, पूरा माहौल बनेगा, युवा माहौल बना हुआ है।
अब की बार 400 पर। तेजस्वी रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि पांच हमारी जब सरकार थी तो 5 लाख युवाओं को रोजगार दिए, पीएम रोजगार की बात नहीं करते, ये आरोप लग रहा है। पीएम हम लोग को बता रहे हैं ना प्रसाद यादव क्या बिजनेस करिए, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए, उससे अच्छा है रोजगार से अच्छा है। बोलिए बोलिए आप कुछ बोले तो बोलिए। 20 साल लालू प्रसाद यादव क्या कर रहे थे, जो तेजस्वी बोल रहे हैं कि पीएम मोदी अति बात नहीं कर रहे हैं नौकरी के बारे में। तो देखिए बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं, आम लोग भी हैं, उत्साहित बहुत हैं, अब चुनाव में बीजेपी को कितना लाभ होता है ये देखना होगा। बिल्कुल शशांक ठीक कहा आपने, वोटों में कितनी तब्दीली होती है इस जन सैलाब की ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बड़े दावे बीजेपी की तरफ से एनडीए की तरफ से किए जा रहे हैं लेकिन इस रोड शो को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है। ये भीड़ बहुत कुछ कहती है, सबसे ताकतवर आज की तारीख में पीएम नरेंद्र मोदी अगर कहा जाए तो बीजेपी के लिए ये सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री रहे हैं, और ऐसे में उनको देखने के लिए वो उनकी बातों को लिए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि सिर्फ स्टंप में नहीं, 2014 से जब से पीएम मोदी आए हैं तब से जो उन्होंने काम किया है वो वेलफेयर के लिए किया है, जनता के लिए, गरीबों को ध्यान में रखकर किया है, और ऐसे में तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनना तय है। जाहिर है उनके प्रशंसक जो है वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, और ये आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, चूंकि जो सुरक्षा काफिला है वो धीरे धीरे करके इस इलाके में पहुंच चुका है, ये जानकारी एबीपी न्यूज को मिली कि काफिला और भीड़ को देखते हुए जो रोड शो की लंबाई तय की गई थी, दूरी तय की गई थी, वो ज्यादा बड़ी कर दी गई है, और ये आपको तस्वीर नजर आएगी यहाँ पर। और देखिए इस तरफ कुछ आपको कैमरे से दिखाइए सीके सिंह की, किस तरीके से सबके हाथ में मोबाइल जो है वो ऑन है और पीएम किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकते हैं, ये तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। और चूंकि जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि रोड शो से कुछ नहीं होगा, हम जनता को नौकरी देंगे, और ये वादा भी किया गया है यहाँ पर कि सरकार आएगी तो हम सबसे पहले नौकरी की बात करेंगे, और नौकरी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर आर पार है यहाँ बिहार में। अगर देखा जाए तो एक तरफ महागठबंधन जो बार बार नौकरी की बात कर रहा है, दूसरी तरफ ये आपको सामने नजर आएगी, ये देखिए काफिला जो है वो लगभग पहुंच गया है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, काफिला धीरे धीरे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगभग यहाँ पहुंच गया है, और जो मैं यहाँ से देख पा रही हूँ तमाम जो बड़े नेता है बीजेपी के वो धीरे धीरे करके आपको आगे की तरफ नजर आएंगे। दिख रहे हैं क्या यार? क्या बोले? मोदी जी दिख रहे हैं? दिख रहे हैं मोदी जी। आप कहाँ से आए? पटना से। लोग देखने के लिए आए हैं? देखने के लिए आए हैं पटना कॉलेज से। जी जी रोड नहीं देखे, अभी देखेंगे, रोड शो देखने आए हैं। कुछ नहीं देखने आए, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप आगे आइए, आगे आइए। क्या मोदी जी को जय श्री राम? क्या ये तस्वीर है? देखिए धीरे धीरे करके आपको तमाम गाड़ियां नजर आएंगी और एक एक करके बीजेपी के जो बड़े नेता है वो आगे नजर आएंगे, और रथ पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार, ये सबसे बड़ी और ताकतवर तस्वीर है आज की तारीख में और जो आपको सामने नजर आई है। गाड़ियों का काफिला धीरे धीरे करके इस इलाके में बढ़ता हुआ, ये बारी पथ है ठीक गांधी मैदान के बगल में उद्योग भवन, जहां पर इस रोड शो को खत्म होना था, और ऐसे में यहां धीरे धीरे करके ये काफिला आगे आगे की तरफ जो है वो जाएगा, और एक एक करके जैसे जैसे पीएम मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है, ये देखिए सबके हाथों में मोबाइल फोन ऑन हो चुका है। कल चौथे चरण का चुनाव, 5 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन उससे पहले आज सबसे पहला रोड शो प्रधानमंत्री का, और उस रोड शो को देखने के लिए दोनों तरफ बैरिकेड्स के आपको लोग नजर आएंगे, बीजेपी का झंडा लिए हुए तमाम समर्थक प्रशंसक सभी आपको सड़क पर नजर आएंगे, और 3 घंटे से ये सभी जो है वो इंतजार कर रहे थे, और धीरे धीरे करके आप प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आगे की ओर बढ़ता हुआ ये तस्वीरें नजर आ रही है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए दूसरी तरफ, चूंकि यहाँ पर ये जो प्रशंसक, ये जो समर्थक है, ये लंबा इंतजार कर रहे थे, और ऐसे में अब आगे की तरफ इनकी कोशिश है कि हम जाएं, और सबके हाथों में फोन इसलिए ऑन है ताकि फोन में वो कैद कर लेना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, जो पहली बार रोड शो करने के लिए पहुंचे। आगे की तरफ आपको अब पीएम के काफिले में आगे की तरफ आपको बीजेपी महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता है वो आपको नजर आएंगी धीरे धीरे करके आगे की तरफ, और अब देखिए सब हाथ हिलाकर पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, ये तस्वीर आपके सामने धीरे धीरे करके जब पीएम मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है तो सभी फूल जो है वो पीएम मोदी पर फेंक रहे हैं, पीएम मोदी पर
आप मेरे कैमरे में सीके सिंह के मेरे सहयोगी सीके सिंह के कैमरे में आपको प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे होंगे जो हाथ हिला रहे हैं और साथ में सीएम नीतीश कुमार भी नजर आ रहे हैं और बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो सभी नजर आएंगे। ये देखिए काफिला, ये काफिला, ये तस्वीर जिसका इंतजार घंटों से यहाँ पर लोग कर रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए। बिहार में 40 सीटें हैं, इन 40 की 40 सीटों पर दावा कर रही है एनडीए कि हम ये सीट जीतेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हाथ हिलाते हुए, और आगे रविशंकर प्रसाद है जो पटना साहिब से एक बार फिर से उम्मीदवार है बीजेपी के, और ये तस्वीर है ठीक बगल में आपको नीतीश कुमार नजर आएंगे। दूसरी तरफ रविशंकर प्रसाद, सम्राट चौधरी भी उसी रथ पर सवार है और ये काफिला और आगे की तरफ बढ़ता हुआ। ये तस्वीर आज की सबसे ताकतवर तस्वीर है और ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीर है जो 400 पार का दावा कर रही है बीजेपी, उसमें से 40 सीटों का दावा बिहार से आता है, और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारी पथ की तरफ, और अब ये भीड़ धीरे धीरे आगे की ओर जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे। जहां पर लोग हैं वहां पर ये अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं और अब आगे की तरफ जाते हुए, और ये भीड़ देखिए, भीड़ दिखाइए, तमाम जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके अब आगे रथ के जब बढ़ रहे हैं और रथ फूलों से सजा हुआ। ठीक बगल में नीतीश कुमार है जो पीएम के साथ पहली बार रोड शो कर रहे हैं यहाँ पटना में। ये तस्वीर है, यहाँ से अब आगे की ओर बढ़ता हुआ ये काफिला, क्या यहाँ पर नरेंद्र मोदी बिल्कुल नीतीश की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो आपके कैमरे के जरिए हम तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो और साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद है, और ये देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैंड वेव करते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए भारी जन सैलाब का जो कि इस वक्त मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, और इसी जन सैलाब की वजह से 1 किलोमीटर का दायरा इस रोड शो का बढ़ा दिया गया। ये सीधी तस्वीरें आप पटना से देख पा रहे हैं, नीतीश ये तस्वीरों को बयां कर रही थी और वहां से तस्वीरें पहुंचा रही है। ये वो जगह है जहां पर इस रोड शो का समापन होना है, भट्टाचार्य रोड से इस रोड शो की शुरुआत हुई, उद्योग भवन जहां पर इस रोड शो का समापन होना है, और बिहार जहां की 40 में से 40 सीटें जीतने का दावा एनडीए की तरफ से किया जा रहा है, और उसी दावे को बल देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस वक्त चुनावी मैदान में मौजूद रोड शो करते हुए, और यह पहली दफा जब आजाद भारत में कोई प्रधानमंत्री पटना में इस तरीके से रोड शो कर रहे हैं। नीतीश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन किन से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, ये कौन है, आप किन्हें देख पा रहे हैं? देखिए जैमर की वजह से आवाज साफ नहीं आ रही है, लेकिन मैं तस्वीर दिखा सकती हूँ क्योंकि तस्वीरें ही यहाँ पर बहुत कुछ कहती है, गवाही देती भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि रथ से अभी उतरे हैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, और नीतीश कुमार से उन्होंने कुछ बातचीत की है और अभी भी नीतीश कुमार से ही बातचीत करते हुए नजर आएंगे, और रविशंकर प्रसाद और सम्राट चौधरी ठीक बगल में, और अब पीएम नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं। यानी रोड शो का जो वक्त और जो काफिला जो निर्धारित किया गया था जितनी लंबाई उतनी ही रोड शो हुआ है, और अभी पीएम मोदी जो है वो अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो ये वो जगह जहां पर रोड शो समाप्त होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, भव्य रोड शो जिसका आयोजन किया गया और भारी संख्या में जन सैलाब यहां पर नजर आया।